अंकित भाई को तो आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने 75 डेज हार्ड चैलेंज कंप्लीट करा। उन्होंने ये चीज बोली है कि अगर कोई भी बंदा इस चीज को कंप्लीट करता है और जिसके ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी होगी तो मैं उसे अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा। उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है आप जरा वो सुनो। राम राम भाई सारे ने, तो भाई जितने भी भाई 75 हार्ड करन लग रहे हैं तो भाई उनते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं, जिसका भी ट्रांसफॉर्मेशन मन ने सबसे बेस्ट लगेगा भाई मैं भी अपनी ओर तो उसने गिफ्ट दूंगा। जिसका भी कंप्लीट होता जा भाई अपने दोनों मतलब सारे फोटो ने एक वो रील बना के मैं उधर जरूर भेजियो, टैग कर दियो मैंने रील में, तो जिसका मैंने सबसे बढ़िया लगा मैं अपनी तरफ से भाई जो मेरे पर बनेगा मैं जरूर गिफ्ट दूंगा भाई ने, और साथ में वर्कआउट भी करेंगे एक दिन भाई। फुकरा इंसान और टोनी कक्कर का हम लोग कोलैब देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन दोनों की ये फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जो कि एक कोलैब फोटो है, और यहाँ पर ये काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए भी नजर आए थे हम लोगों को। जट प्रभ जोत के ऊपर 1000 प्रो राइडर के फादर ने रिएक्ट करा, क्योंकि जट प्रभ जोत ने अप्रिशिएट करा था प्रो राइडर 1000 के फादर को, तो उनका क्या बात हुई है, क्या चीज निकल गया जरा वो देख लो, और साथ में वो एक राइड भी करते हुए देखने को मिल सकते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ था। जट प्रभ जोत को जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रो राइडर 1000 को अपने चैनल पे उसको याद किया, उन्होंने सही बात बोली थी, वही बंदा जान सकता है हकीकत को जो उस चीज से गुजरा हो। मेरी काफी देर उससे 15 मिनट बात भी हुई थी। एलविश यादव और जिया इस चीज का मजाक उड़ाते हुए नजर आए कि अभिषेक एक डिजर्विंग विनर थे, आप जरा खुद देखो इस वीडियो को। इस ब्लॉग में बिग बॉस का डिजर्विंग विनर है, और इसी के चलते जिया को बाद में ये पोस्ट करना पड़ा। उन्होंने ये चीज लिखी कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, हम यहाँ पर अभिषेक का मजाक नहीं उड़ाए थे, बकायदा यहाँ पर एल्विश मेरी बात कर रहा था, क्योंकि मैं बार बार ये चीज बोल रही थी कि अभिषेक डिजर्विंग है, वो डिजर्विंग है, लेकिन वो चीज नहीं हुई। एल्विश यादव ने एक इंस्टाग्राम पे भी लाइव करा था जिसपे काफी अच्छी वॉचिंग आई थी, और साथ के साथ उन्होंने वहां पर मनीषा अभिषेक के ऊपर भी बात करी थी और बिग बॉस पार्टी के ऊपर भी बात करी थी। क्या बात हुई थी अब जरा वो देखो। उसकी पार्टी हुई थी भाई, केक नहीं काटा था तुम्हारे भाई के बिना, उन्होंने बहुत अच्छा जेस्चर लगा मुझे, और हमारी पूजा जी ने जो मुझे शिवलिंग दिया वो भी बहुत प्यारा है, और सब मिले। बेबी का तो बड़ी हो गई है भाई, बट बेबी का कहाँ हाथ मावे अब हमारे। और जिया से मैं मिला पर्सनली, अभिषेक और मनीषा से मैं नहीं मिल पाया क्योंकि वो आई नहीं पार्टी में, शायद वो बिजी थे भाई अपने काम वाम ज्यादा। मनीषा से बात हुई थी, सॉरी मेरी मनीषा कहती कि मेरी तबीयत खराब है थोड़ी सी इसलिए मैं नहीं आ पाई, मैंने कहा चलो ये भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एल्विश यादव का काफी ज्यादा क्रेजी मीटअप देखने को मिला हम लोगों मुंबई के अंदर, जो कि उनके गाने के प्रमोशन के रिगार्डिंग था, और प्रमोशन से याद है उनका ईशा गुप्ता के साथ भी एक कोलैब रील देखने को मिली है जो कि काफी ज्यादा तगड़ी जा रही है, आप जरा उसे भी देख लो।